आज ये बजीज को मैं सबको रिलीज करने वाला हूँ, जाओ। अरे भैया क्यों उड़ा रही हो? क्या हो गया? क्यों उड़ा रही हो? तो मर जाएंगे ठंड में। क्या करे भैया, सब अदरस जीव ने वैसे परेशान कर रखा है। अरे तो और... ये तो फिर वैसे ही मर जाएंगे। कोई भी अदरस जीव हो, जब उसने गड्ढा खोदा होगा ना, जहाँ जहाँ मैंने जो बीमार और जो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए बर्ड्स को दफनाया था, वहाँ वहाँ तक पहुँच के फिर उसको या तो कुछ कुछ पार्ट्स खा के ऐसे ही छोड़ दिया। पहला शुरुआत इसने स्नो से किया था, जो कि स्नो हमें यहाँ पे मिला था। स्नो हमें मिला था इस नींबू के पेड़ के पास मिला था, मुझे अच्छे से याद है। स्नो के बारे में बोल सकते, ये 3 महीने से कंटिन्यूसली कर, प्रॉपर पानी डाल के पूरा, हमने का पेड़ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर पूरा पानी डाल के देखा था। जब स्टार्टिंग हुई थी, जब स्नो की हमें बॉडी मिली थी अदरस जीव से, पानी यहाँ से निकला, इधर से पानी निकला, यहाँ पे गड्ढा बना रखा था, एक गड्ढा यहाँ पे बना रखा था इस जगह, और ये गड्ढा यहाँ तक कहाँ इसके अंदर मुझे पता नहीं है। बर्ड हाउस के पास दफनाए गए बर्ड्स को कोई रोज निकाल रहा है और उसके अंदर के ऑर्गन खाकर ऐसे ही छोड़ दे रहा है। चाहे स्नो की बॉडी हो, जैक की हो या छोटे बर्ड चिक की, उसकी बॉडी को काटकर अंदर का पार्ट खाकर छोड़ दिया गया। पिछले कई दिन से हमारे बर्ड हाउस में ऐसा हो रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब से हमारे सोसाइटी में 3 दिन के लिए लाइट चली गई थी। उस दिन से गार्डन में किसी अदरस जीव ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था और बर्ड चिक के मरे हुए शव को निकालकर खा रहा था, और हद तो तब होने लगी थी जब बर्ड चिक को बीमार बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा रहा था। हमने कैचर के साथ उस जगह से चूहे को भी पकड़ा था, फिर उसे दूर जाके छोड़ दिया था, पर कोई अदरस जीव पाइप और केबल के रास्ते से फिर भी आ जाता था क्योंकि उसे पता था कि बर्ड हाउस में उसका खाना है। दोस्तों, बर्ड से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और इसलिए मुझे जहां भी बीमार बर्ड दिखता है मैं ले आता हूं और उसको दवाई देकर बचाता हूं। ये लालू को भी मैं लाल किले से लेकर आया था जब ये काफी बीमार था। इस गिलहरी को किसी ने मुझे रेस्क्यू करके मेट्रो स्टेशन पर दिया था और अब धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। और इस छोटे से स्ट्रीट डॉग को देखिए, इसको भी हमने रेस्क्यू किया था। जब हमें मिला था तो इसके पूरे शरीर में कीड़े थे और हर जगह इसके घाव थे, लेकिन हम इसे तुरंत लेकर पेट क्लिनिक गए और वहाँ जाके इसका ट्रीटमेंट कराया। इस बर्ड चीक को देखिए, जो कि हमें पानी मिला था, अगर हम इग्नोर कर देते तो शायद ये वहाँ मर जाता, लेकिन किसी तरीके से इसकी जान बच गई। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इन बर्ड्स के साथ जानबूझ के किया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बर्ड हाउस को चेंज कर दो। ना तो मैंने जानबूझ के किया है और ना ही बर्ड हाउस को चेंज किया जा सकता है। अगर मैंने बर्ड हाउस को चेंज किया तो सारे अंडे बच्चे खराब हो जाएंगे जो कि इस बॉक्स में है, और मैंने किसी को बोला भी था कि मेरे सारे बर्ड्स ले जाओ। जब उस बंदे के बारे में मुझे पता चला, वो तो मेरे सारे बर्ड्स लेकर दुकान में बेच देता। अगर इन बर्ड्स को मैं आसमान में खुला छोड़ दूंगा तो इन बर्ड्स के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि बर्ड्स मर जाएंगे। आप में से जो भी मेरे घर के आसपास रहते हैं वो आ जाओ, मैं उनको बर्ड दे दूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि आप उनकी केयर करो। सेटअप से लेकर आया था, बहुत बेचारा उड़ नहीं पा रहा था, वहाँ पे तो शायद बच भी नहीं पाता। ये इसको देख सकते हो, लालू को, ये लालू है जो कि हमें नाली मिला था, ये भी बच गया। ये भी मैं किसी दुकान से लेकर आया था, बीमार था, कंडीशन आप देख सकते हो इसकी। दूसरा ये बर्ड, इसके सर पे किसी ने अटैक किया था, ये सब दुकान के बर्ड्स हैं। तीसरा इसको देखते हो, जिसकी पैर ख़राब है, लोग हेल्दी बर्ड ले आते हैं, मैं सारे बर्ड्स मैं बीमार लाता हूँ। ये मेरा मिट्टू है, इसको देख सकते हो, यही मैं लेकर आया था, छोटा बच्चा था बहुत, मतलब मिट्टू, ये देख सकते हो। इस फीमेल की बहुत बड़ी कहानी, जिसका बच्चे की डेथ हो गई थी, देख सकते हो, इसका ही छोटा बच्चा था। तो फीमेल की भी कहानी है, ये भी मेरा टेम है, देखो ये मैं लेकर आया था, इसको मैंने, ये मेरा अपना प्यारा सा छोटा सा बर्ड हाउस। तो यार, जो मैंने इतने प्यार से, इतने नाजुक से इनको पाला, सेटअप बना रखा है, आपको एक चीज़ बताने कोशिश करूँगा, ये दरवाजे देख सकते हो, 2 दिन से हमारे यहाँ, पिछले महीने तकरीबन 3 दिन के लिए लाइट गई थी। कितने दिन की लाइट गई थी यहाँ पे? 3-4 दिन की लाइट गई थी ना, 3-4 दिन के लिए हमारे यहाँ लाइट गई थी। अब लाइट जाती है और इन्वर्टर हमारे डेड हो गए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पूरी सोसाइटी, घर में नहीं, इवन पूरे कॉलोनी में लाइट गई थी, जिस वजह से क्या कहते हैं कि पूरा बर्ड हाउस बंद था। रात को तो बर्ड को चलो हम किसी कर लेंगे, दिन में हमको मजबूरी में ये खोलना पड़ता है। जो अंडा फूटा था ना, वो फूटा हुआ अंडा, फिर मुझे लगा था शायद कबूतर दोबारा अंडा नहीं देगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो कबूतर ने अगेन यहाँ पे देखो 2 अंडे डाल दिए, देखो दिखाना, 2 अंडे अगेन डाल दिए। जहाँ तक मुझे लगता है इस नाली के रास्ते आता है, अगर मैं नाली बंद कर दूंगा तो फिर इस नाली नीचे, इस नाली को मैंने रात को नाली बंद किया था कुछ चीज़ लगा के, बट फिर भी क्या किया कि इस नाली को काट के वो यहाँ से निकल के बाहर निकल गया, चला गया, तो पूरे यहाँ से बाहर निकल गया। वो कुछ भी हो सकता है क्रिएचर, मुझे नहीं पता किस टाइप का क्रिएचर होगा।